मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस आज फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एर्गोनॉमिक्स एंड कंज्यूमर इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जिसका कि कोर्स कोड है 118N और ये ब्लॉक 2 में आता है रोल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसकी यूनिट 5 है जिसमें कि मेजर न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स हैं स्पेशली हम उस पर प्रोटीन की बात करेंगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो मेजर न्यूट्रिएंट है। मेजर न्यूट्रिएंट में बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट को डिस्कस करा जाएगा। मैं आज आप लोगों के सामने स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से प्रोटीन डिस्कस करूंगी। मेरा टॉपिक है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, प्रोटीन के क्या फंक्शंस हैं, प्रोटीन के क्या टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोटीन इन सभी प्रोडक्ट्स में रिच अमाउंट में पाया जाता है। ये सारे ही वो फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपने डाइट में शामिल करते हैं, जो हमें इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन हर फूड प्रोडक्ट में एक अलग टाइप का प्रोटीन पाया जाता है। वो कौन सा प्रोटीन होता है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें प्रोटीन को डिटेल में समझना पड़ेगा। एग में प्रोटीन होता है, एग में ही खाली अगर हम बात करेंगे तो एग में 8 टाइप का प्रोटीन होता है। अब वो जो 8 टाइप के प्रोटीन हैं वो एग के अलग अलग पार्ट में, बाहर के शेल्फ में अलग होगा, अंदर अलग होगा, उसके अंदर जो जेली है उसमें अलग होगा। तो जो प्रोटीन का टाइप हमारे लिए इफ़ेक्टिव है, जो हमारे लिए यूज़फुल है, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करेगा, वो प्रोटीन ही हमें यूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कैंसर पेशेंट्स की बात करते हैं तो कैंसर पेशेंट्स को हम प्रोटीन रिच डाइट देते हैं, बट कौन सा प्रोटीन प्रोवाइड करना है, तो अगर हमें उन्हें डाइट में एग शामिल करने का सजेशन देना होगा तो हम एग वाइट उन्हें प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो सोयाबीन है, जो हमारी पल्सेज हैं, सोयाबीन की दाल, हमारी मटर की दाल या जो और भी पल्सेज हैं उन सभी में प्रोटीन रिच अमाउंट में होता है, लेकिन इन सब में मटर की दाल में और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ये ऐसा प्रोटीन है जो कि बायोलॉजिकली अगर हम उसको ट्रीट करते हैं तो हमें नॉनवेज के बराबर, यानी कि अगर हम यकृत का सेवन कर रहे हैं, अगर हम नॉनवेज ले रहे हैं या रेड बीफ ले रहे हैं, उसके प्रोपोर्शन में अगर हम इसको देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हम पाएंगे कि शाकाहारी आहार में यदि हम सोयाबीन को शामिल कर लेते हैं तो हमें नॉनवेज से मिलने वाले प्रोटीन के बराबर प्रोटीन अमाउंट प्राप्त हो जाता है। हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स में भी प्रोटीन अमाउंट अच्छा होता है। ड्राई फ्रूट से मिलने वाला जो प्रोटीन होता है उसका हमारी बॉडी पे जो भी रिएक्शन होता है वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट प्रेजेंट करता है। यदि हम अपनी डाइट में सिर्फ ड्राई फ्रूट शामिल करते हैं तो हम वेट मैनेजमेंट को भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटीन का जो बेसिकली सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि ये कैसे बने, कहाँ से इसको हमने समझा। तो प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट के रूप में जाना जाता है और ये एसेंशियल भी है और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो प्रोटीन के द्वारा किए जा सकते हैं। हमारी बॉडी में वैरायटी ऑफ जो फूड जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, उन सब में अलग अलग तरीके का प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन लेकिन स्टार्ट कैसे हुआ, प्रोटीन का इन्वेंशन कहाँ से हुआ, कैसे इसका आविष्कार हुआ, तो प्रोटीन को मोल्डर ने 1838 में बताया और उन्होंने ही बताया कि प्रोटीन का जो कॉम्पोजिशन है, जो उसका कॉम्बिनेशन है वो क्या है, प्रोटीन कैसे बन रहे हैं और प्रोटीन का जो एंड पॉइंट है, यानी कि हमारे शरीर के द्वारा जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो जिस फॉर्म में हम लेते हैं उसी फॉर्म में हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है, उसका स्वरूप बदल जाता है। तो जो उसका एंड पॉइंट है वो क्या है, एंड पॉइंट उसका क्या है, जिस रूप में वो हमारे शरीर के द्वारा प्राप्त किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा, वो क्या है, वो है अमाइनो एसिड। तो हम आपको बताएंगे कि ये कैसे बने हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने हैं। नाइट्रोजन की जो स्पेसिफिक अमाउंट है, नाइट्रोजन की जो स्पेशलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन में पाया जाता है। नाइट्रोजन की वजह से ही ये फैट से डिफरेंट है और
उसी की वजह से ये कार्बोहाइड्रेट से भी डिफरेंट है। कार्बोहाइड्रेट और फैट भी हमारे न्यूट्रिएंट के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन प्रोटीन में सिर्फ नाइट्रोजन की जो प्रेजेंस है वो हमें स्पेशल बनाती है। ये हमारे बॉडी के लिए अलग अलग 30,000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन अलग अलग प्रकार के कार्यों को संपन्न करने में हेल्प करते हैं। बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में प्रोटीन को हम जानते ही हैं, लेकिन प्रोटीन किन से बने हैं? प्रोटीन बने हैं अमाइनो एसिड से। कौन कौन से अमाइनो एसिड, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 20 प्रकार के अमाइनो एसिड हमें वातावरण में प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में ही मिल जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमें फूड प्रोडक्ट्स के द्वारा बाहर से ग्रहण करने पड़ते हैं। और जो डीएनए है वो इंस्ट्रक्शन देता है कि कौन सा अमाइनो एसिड किस प्रकार के प्रोटीन को प्रोवाइड करेगा और हमारी बॉडी में वो कैसा रिएक्शन देगा, कैसा एक्शन देगा। ये अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि एलानाइन, ग्लूटामिक एसिड, ल्यूसीन, सेरीन, थ्रियोनिन, लाइसिन, ग्लूटामिन, आर्जिनिन, एस्पर्जिन, गायसिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, एस्पार्टिक एसिड, हिस्टिडीन, फिनाइल एनालिन, टायरोसिन, सिस्टीन, आइसोल्यूसिन, प्रोलीन एंड वैलिन। ये हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं ये सारे मिलकर हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए वर्क करते हैं, जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि जो आपका हिस्टिडीन है ये और जो आपका आर्जिनिन है ये दो स्पेशली संतानोत्पत्ति के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। फिर प्रोटीन को हम कैसे समझें कि प्रोटीन जिस फॉर्म में हम ले रहे हैं क्या वही फॉर्म ठीक है, साथ ही प्रोटीन कैसा हमें लेना है और हम उसको ज़्यादा पका दे रहे हैं, उसको हम ज़्यादा उसमें एसिड यूज़ कर दे रहे हैं या उसमें हम ज़्यादा बेस मिला दे रहे हैं, कैसा प्रोटीन का इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, किसकी वजह से, उस प्रभाव को जानने के लिए आपको बताना चाहेंगे कि प्रोटीन जो होता है उसमें डीनेचुरेशन प्रोसेस देखने को मिलता है। डीनेचुरेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे समझा जा सकता है, जैसे मान लीजिए एग एल्ब्यूमिन की हम बात करेंगे, ये जेली या जेल फॉर्म में है और जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये अपने स्वरूप को परिवर्तित करता है और ये जेल से सॉलिड हो जाता है, ये वापस इस फॉर्म में नहीं आ पाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर हमने हीट दे दी है तो ये फ्लूइड से सॉलिड मास के रूप में चेंज हो रहा है। अब हम बात करेंगे इन सभी की कि जो फैक्टर्स हैं जो डीनेचुरेशन के लिए वर्क कर रहे हैं, हीट का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है, देन एसिड्स, बेसिस और अल्कोहल, ये तीनों भी हीट के अतिरिक्त प्रोटीन को डीनेचुरेट करने के लिए फंक्शन करते हैं। अब हम आपके सामने बताना चाहेंगे कि जो प्रोटीन प्राप्त हम कर रहे हैं वो किस प्रकार के अमाइनो एसिड्स हमें दे रहा है। हमने आपको पहले ही बताया है कि कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्राप्त हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो जो डिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, खुद प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर है और ये सिंथेसाइज कर रही है कितने को, 11 अमाइनो एसिड्स को, जो उसके अतिरिक्त अमाइनो एसिड्स हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, इंडिस्पेंसिबल, ये कितने हैं, 9। तो जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है और जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, डिस्पेंसिबल और इंडिस्पेंसिबल। अब ये हम कहाँ से लेते हैं, ये लेते हैं हम डाइट से, जो हम आहार ग्रहण करेंगे उससे हमें अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। और अब जो डाइट हमने ली है वो हमारी हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग प्रकार के प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फंक्शन करेगी। हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए प्रोटीन इंस्ट्रक्ट कर रहा है
और प्रोटीन को इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, मैंने आपको भी लास्ट स्लाइड में बताया था कि डीएनए इंस्ट्रक्ट करता है कि कौन सा अमीनो एसिड हमारे एक बॉडी के किस पार्ट में किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी जो हेल्थ कंडीशन है जैसे कि पीकेयू क्या है, अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे, प्रोटीन और के से क्या है कीटोन, यू से क्या है यूरिया, प्रोटीन कीटोन यूरिया की यदि कंडीशन हो रही है उस कंडीशन में हमारे यूरिन में एक विशिष्ट स्मेल आने लगती है, उस दौरान यूरिन के थ्रू प्रोटीन पास होने लगता है। अब हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है वो डिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स के फंक्शन के लिए हमें सपोर्ट कर रही है। ये कंडीशन जो है वो हमारे अमीनो एसिड्स का फंक्शन ही चेंज कर देती है, लेकिन अगर ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, हमारी हेल्थ कंडीशन ऐसी नहीं है, तो हमारा इनडिस्पेंसिबल से भी काम चल सकता है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, एसेंशियल में आते हैं हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिलाइन, एनालिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, और नॉन एसेंशियल में एलानाइन, आर्जिनिन, एस्पर्जिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन, थायरोसिन और थायरोसिन। अब थायरोसिन जो है वो हमारे नॉन एसेंशियल का पार्ट है। नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं कि वो हमें नहीं चाहिए, वो भी हमें चाहिए, ये भी हमें चाहिए, लेकिन ये हमारी बॉडी में नहीं है, इसलिए इसे हमें डाइट से रिकवर करना है, और ये हमारी बॉडी में है, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हमारी बॉडी इसके लिए फंक्शन कर लेगी और उसको जब आवश्यकता होगी तो वो प्राप्त कर लेगी। अब क्वालिटी ऑफ प्रोटीन की हम बात करेंगे कि कौन सी क्वालिटी ऑफ प्रोटीन हमें चाहिए, हमारे जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हमें क्वालिटी प्रोटीन के रूप में चाहिए, इसीलिए इन्हें हम प्रोटीन ना कह के क्वालिटी प्रोटीन के नाम से भी समझ सकते हैं। प्रोटीन हमें कहाँ से मिल रहा है, एग से, डेयरी से, मीट से, पोल्ट्री से, और अगर हम वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो हमें सोयाबीन से अच्छी मात्रा में प्रोटीन प्राप्त हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का वर्गीकरण क्या है। प्रोटीन हम लोग बहुत बार डिस्कस करते हैं, लेकिन उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, हम इसको 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, थर्ड वन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। जब हम क्वालिटी की बात करेंगे, बेसिकली क्वालिटी पे भी हम लोग आगे फोकस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ टाइप की बात करेंगे। क्वालिटी ऑफ प्रोटीन जो हमें चाहिए वो कैसे मिलेगा, तो जब हम गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन को डिस्क्राइब करते हैं तो 3 तरीके का प्रोटीन देखने को मिलता है, एक कंप्लीट, एक पार्शियली इनकम्प्लीट और एक इनकम्प्लीट। और जब हम सोर्सेज के आधार पर प्रोटीन को प्राप्त करना चाहते हैं तो एनिमल प्रोटीन और वेजिटेबल प्रोटीन, जो अभी हमने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि हमें एनिमल से प्रोटीन मिल सकता है और वेजिटेबल में स्पेशली मैंने सोयाबीन और मटर की बात करी थी, तो वो आपका वेजिटेबल प्रोटीन हो गया। और जब हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमें 3 तरीके का प्रोटीन प्राप्त होता है, फर्स्ट सिंपल प्रोटीन, सेकंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और थर्ड वन है डेराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में हमारा आता है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटामिन, प्रोलामिन और एल्ब्यूमिनॉइड्स। कॉन्जुगेटेड में आता है न्यूक्लियर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन और लैसिथोप्रोटीन। डेराइव में हमारे पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, हिस्टोन्स, प्रोटामिन्स, मेटाप्रोटीन और कॉन्जुगेटेड। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, इसको हम क्लासिफिकेशन यानी कि कैसे कैसे प्रोटीन को हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, अलग अलग तरीके से प्राप्त कर रहे हैं और कहाँ पर क्या आवश्यकता है। यदि बॉडी की रिक्वायरमेंट क्वालिटी प्रोटीन की है तो हमें सिर्फ इस पर फोकस करना होगा अपनी डाइट में। यदि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट इस टाइप के प्रोटीन की है तो हमें सिर्फ सोर्सेज पर ध्यान देना होगा। यदि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट इस टाइप की है तो हमें सिर्फ उसके केमिकल स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा। ये नहीं कि आपने प्रोटीन डाइट बोली तो कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे।
अब हमारा जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है प्रोटीन की, उसको जानने के लिए हमने उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, क्योंकि क्वालिटी के आधार पर हम आपको पहले बता चुके हैं, कम्प्लीट, पार्शली इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट। अब हमारा जो कम्प्लीट प्रोटीन है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड से भरा हुआ होता है। इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड चाहिए रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में, जितना कि हमारी बॉडी को मिले हमारी ग्रोथ के लिए। जैसे हमारा एग एल्ब्यूमिन है वो हमारा कम्प्लीट प्रोटीन है, मिल्क केसिन है वो हमारा कम्प्लीट प्रोटीन है, यानी खाली एग खा लेंगे तो सफिशियंट है, प्रोटीन की जो फुलफिलमेंट है वो हो जाएगी। प्रोटीन चाहिए कितना, 0.8 ग्राम। अब नेक्स्ट है हमारा पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन, ये लाइसिन और थ्रियोनिन में है, जो कि हमें वीट और राइस से प्राप्त रहता है। इसको पार्शियली इनकम्प्लीट इसलिए कहा गया है क्योंकि दाल चावल अगर हम अलग अलग खा रहे हैं, या हम सिर्फ चावल खा रहे हैं, या हम सिर्फ गेहूं खा रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ ले रहे हैं, तो वो पार्शियली इनकम्प्लीट। जब उसको हम किसी दूसरे यानी कि कम्प्लीट प्रोटीन के साथ मिला देंगे तब वो कम्प्लीट के फॉर्म में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दाल के साथ में चावल मिक्स कर देंगे तो कम्प्लीट है, लेकिन अगर हमने सिर्फ चावल खाया, हमने सिर्फ रोटी खाई, हमने सिर्फ एक चीज़ ली और एक चीज़ छोड़ दी है, तो वो हमारा पार्शियल इनकम्प्लीट हो जाएगा। इनकम्प्लीट का मतलब हो गया कि उसमें ट्रिप्टोफैन नहीं है, उसकी कमी है। ट्रिप्टोफैन की कमी की वजह से उसको हम इनकम्प्लीट की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि जो हमारा एसेंशियल, सबसे ज़्यादा एसेंशियल जो अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, वो मिसिंग है। और हमारी जो तेज ग्रोथ हो उसके लिए जो आवश्यक है वो क्या है कि हम एसेंशियल अमीनो एसिड से भरे पूरे प्रोटीन प्रोडक्ट्स का सेवन करें। हमारी बॉडी में प्रोटीन कैसे कैसे पाया जाता है, हमारे मसल्स में होता है, बोन्स में होता है, स्किन में होता है यानी कि स्किन के फोल्ड्स होते हैं उसमें भी और स्किन टाइप्स में भी, और इसके अलावा ब्लड में हमारा प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है, जिसके साथ साथ ग्लैंड्स में, नर्व्स में और टिश्यूज़ में भी प्रोटीन देखने को मिलता है। लेकिन इसका जो टाइप है वो वैरी करता जाता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का प्रोटीन देखने को मिलता है। हमारे जो बॉडी बिल्डिंग टिश्यूज़ हैं, हमारी बॉडी को मेंटेन करने वाले टिश्यूज़ हैं, उनमें लगभग 18-20% पार्ट प्रोटीन से ही मिल रहा है। हमारे मसल्स, ऑर्गन्स, स्किन, ब्लड, हेयर, नेल्स, आपको जो भी चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं ये सब प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो स्केलेटल मसल है उसके अकाउंट को अगर हम देखते हैं तो हाफ ऑफ द बॉडी प्रोटीन का ही है। हमारे जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनमें एंजाइम्स के लिए, हॉर्मोन्स के लिए और एंटीबॉडीज़ के लिए जो फंक्शनल प्रोसेस हो रहा है उसमें भी रिक्वायरमेंट किसकी है, प्रोटीन की। हमारे मिनरल्स और फ्लूइड बैलेंस के लिए, क्योंकि प्रोटीन के अभी हम आपको फंक्शन बताएंगे, तो प्रोटीन क्या है, बफर की तरह हमारी बॉडी में वर्क करता है। हमारे बॉडी के जो एसिड बेस बैलेंस है, हमारी बॉडी का जो पीएच है उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है। हमारे सेल वॉल्स के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कौन से फ्लूइड्स जाएंगे, सोडियम पोटेशियम की कितनी मात्रा बाहर रहे कितनी अंदर रहेगी, उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ प्रोटीन की, ये क्या क्या और काम कर रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि एसिड बेस बैलेंस बनाए रहता है, पीएच को कंट्रोल करता है, हमारे वाइटल सब्सटेंस को कैरी करता है, जैसे कि हमारे ऑक्सीजन के साथ क्रोमोसोम्स यहाँ से वहाँ कैसे ट्रांसफ़र होंगे, उसके साथ कैसे लिंक्ड होना है, या प्रोटीन जो है वो फैट के साथ कैसे लिंक करेगा, कौन से अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे, वो कौन करता है, प्रोटीन ही डिसाइड करता है। हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करने में प्रोटीन फंक्शन करता है, ये एक प्रकार से एनर्जी सोर्स भी है। जब हमें हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं मिल पाती है तो प्रोटीन एनर्जी सप्लाई करने लगता है।
सबसे पहले हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट के एब्सेंस में प्रोटीन, और यदि प्रोटीन भी नहीं होता है तब फिर फैट फंक्शन करता है। फैट का फंक्शन सबसे लास्ट में स्टार्ट होता है, प्रोटीन का ज़्यादा फंक्शन होता है। प्रोटीन एज इट इज़ स्टोर नहीं रहता है, जब रिक्वायर्ड होता है तो वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। प्रोटीन जो है हमें कैसे कैसे फंक्शन करने में हेल्प करता है, देखिए प्रोटीन लिया हमने, अब प्रोटीन ग्रहण करने के बाद उसको डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन होने के बाद प्रोटीन अपने एंड प्रोडक्ट में आ गया। एंड प्रोडक्ट क्या है उसका? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो है वो हमारी बॉडी की आवश्यकता के हिसाब से, यानी कि हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड है या नहीं है, एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है, उसके हिसाब से फंक्शन कर रहा है। अगर है तो हमारे नए सेल्स को बनाएगा, यानी कोई जो हमें मसल्स और हमारे जो बोन्स हैं उनमें जो टूट फूट हो रही है, जो भी शरीर में टूट फूट हो रही है उसकी मरम्मत के लिए और नए न्यू सेल्स को क्रिएट करने के लिए हेल्प कर रहा है। सिंथेसाइज करता है नए प्रोटीन को, टिश्यूज़ को मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करता है, और अगर नहीं है तो ये फिल्टर्ड होकर हमारी बॉडी से कीटोन बॉडी और लीवर के फंक्शन के द्वारा बाहर रिलीज हो जाता है। एक्सेस में अगर रिलीज होता है तो रिक्वायरमेंट है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और इसकी कमी और अधिकता के बारे में भी हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। हाउ मच प्रोटीन डू यू नीड, कितना चाहिए, क्योंकि स्टोर नहीं हो रहा है, जब ज़रूरत पड़े तो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे रहा है। ये हमारी एज के हिसाब से, हमारे जेंडर के हिसाब से, बॉडी साइज के हिसाब से अलग अलग अमाउंट में देखने को मिलता है। हमारी जो हेल्थ कंडीशंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत दुबले पतले हैं तो हमें बहुत कम प्रोटीन की आवश्यकता है या बहुत अधिक प्रोटीन की आवश्यकता है, हम बहुत मोटे हैं तो हमें बहुत कम या बहुत अधिक प्रोटीन की आवश्यकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा क्या जेंडर है, हमारी क्या एज है, हमारा बॉडी साइज़ क्या है और हमारी स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है। यदि हम बीमार हैं प्रोटीन कंजम्पशन बढ़ रहा है, नहीं बीमार है नहीं बढ़ रहा है। आईडी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो 52 ग्राम पर डे 14 टू 18 ईयर ओल्ड मेल को और 46 ग्राम पर डे फॉर फीमेल्स रिक्वायर्ड होता है। 0.85 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, यानी कि हर एक किलो बॉडी वेट पर इतना हमको चाहिए। अगर हम एक किलो की बात करेंगे तो 2.2 पाउंड्स हमें मिल रहा है। अब हम जो भी प्रोटीन ले रहे हैं वो कितनी मात्रा में लें, कितनी आवश्यकता है, जितना ले रहे हैं क्या वो पूरा चाहिए या थोड़ा सा यूज़ करना है या उससे ज़्यादा यूज़ करना है। तो जब हमारे मसल मास जो है इंक्रीज़ हो रही है, वेन इंक्रीज मसल मास इज़ नॉट द गोल, उसको नहीं बढ़ाना है। लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटीन आर नॉट रिक्वायर्ड, तब हमें नहीं चाहिए। अगर बढ़ाना है इनकेस तो हमें चाहिए। सप्लीमेंट जो है वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा करेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। सप्लीमेंट का मतलब है कि हमारे को जो भी प्रोटीन हम ले रहे हैं उस फॉर्म में हमें नहीं मिल पा रहा है, या जितना लिया उतना अब्जॉर्ब नहीं कर रही बॉडी हमारी, या हमारी बॉडी जो है अब्जॉर्ब भी कर रही है लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। तो जैसा भी हमें रिक्वायरमेंट है बॉडी के अकॉर्डिंग उतना हम सप्लीमेंट अलग से ले सकते हैं। ज़्यादा प्रोटीन किसे चाहिए? ग्रोइंग यूथ एंड टीनेजर्स को, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, जो नवयुवक हैं, उन्हें अपने ग्रोथ पीरियड में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इसके बाद प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर, जो लैक्टेटिंग वुमेन है और जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उन दोनों को ही प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में। टीनेजर्स के साथ साथ जो अडल्ट मेल्स हैं, स्पेशली मेल की बात हो रही है यहाँ पे, फीमेल की बात नहीं हो रही है। फीमेल का टाइप जो है यहाँ पर हमने प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडेड मदर के रूप में ही खाली कंसिडर किया है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, कंजम्पशन अडल्ट मेल्स का ज़्यादा है इसलिए इनको रिक्वायर्ड है। और अगर हम इंडिविजुअली बात करेंगे तो हमारा जो लीन मसल्स है उसके अकॉर्डिंग लार्ज है, टॉल पर्सन है तो स्मॉल के कंपेरिजन में ज़्यादा चाहिए।
अगर कोई इंजर्ड है तो उसको एंटीबॉडीज़ को फिर से रिपेयर करने के लिए, जो उनका डैमेज है उसको ख़त्म करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। जो टिश्यूज़ हमारे डैमेज हो गए उन टिश्यूज़ को हम कैसे रिकवर करें। हम बात करेंगे प्रोटीन की आवश्यकता की, कैसा प्रोटीन आवश्यक है। तो बैलेंस डाइट अगर हम देखते हैं तो हम किसको, कार्बोहाइड्रेट को और हमारे फैट को और हमारे कैलोरीज को ध्यान में रखेंगे। जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो फोकस करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट पे, जो कि लगभग 60-65% होना चाहिए। हम फैट को ध्यान रखेंगे जो कि कितना कम होना चाहिए, 20-25% होना चाहिए। और हम अब जो कैलोरीज हैं वो हम किससे फुलफिल करेंगे, प्रोटीन से। कितना चाहिए, 10-20%। बाकी हम अवॉइड करेंगे किसको, डिहाइड्रेशन को, यानी कि हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है वो ठीक ठाक अमाउंट में बना रहे, बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड हमारे ना निकले, नहीं तो डिहाइड्रेशन की स्थिति पैदा हो जाएगी। लो फैट कुकिंग करें, जैसे ग्रिलिंग कर सकते हैं, बेकिंग कर सकते हैं, पोचिंग कर सकते हैं, तो हमें ज़्यादा मात्रा में फैट नहीं मिलेगा और प्रोटीन भी प्राप्त हो जाएगा। वो भी कैसा होगा, एडिक्वेट, जितना कि हमें कैलोरी रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से। अगर हम एथलीट हैं तो हमें ज़्यादा प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। मोर मसल्स डज नॉट ऑटोमेटिकली रिक्वायर मोर प्रोटीन। मोस्ट एथलीट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने लेवल को बढ़ाते हैं, तब उन्हें क्या चाहिए होता है, ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलेगी और एक्स्ट्रा प्रोटीन हमें मिलेगा, लेकिन किस पर्पज़ के लिए, बॉडी बिल्ड करने के लिए और हमारी जो मसल्स रैप्चर हो रही है उन मसल्स को रिपेयर करने के लिए। इसी प्रकार से हम जब प्रोटीन को वेट लिफ्टिंग के लिए ध्यान दें तो ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, ये हमारे मसल मास को इम्प्रूव करता है। इंडिविजुअली अगर देखते हैं तो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो सेडेंट्री एडल्ट के लिए 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ग्रोइंग इन एथलीट्स के लिए 1.5-2.0 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, और अडल्ट्स को 1.2-1.7 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात करेंगे फूड सोर्सेस से जो हमें प्रोटीन मिल रहा है उस प्रोटीन की, कि कैसे हम लेंगे और हम अपनी डाइट में कैसा प्रोटीन चाहें जो हमें हेल्प करे। प्रोटीन जो है उससे संबंधित जो भी डाइट हम लेंगे उसमें हम एनिमल और प्लांट दोनों ही सोर्सेस को शामिल कर सकते हैं। ये हमारी फूड हैबिट्स पे डिपेंड करेगा कि हम वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियन हैं एट्सेट्रा। कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं जब हम अपने प्रोटीन को चॉइस करते हैं, अवेलेबिलिटी, कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा है। हमने आपको जैसे सजेस्ट किया कि आप एग खाइए, आपके आसपास एग अवेलेबल नहीं है, आप कहीं ऐसे प्लेस पे जहाँ एग नहीं उपलब्ध हो सकता, या हमने आपसे कहा मिल्क लीजिए, मिल्क नहीं मिल सकता, या दालें नहीं मिल सकती, या कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन जो आपको रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल सकता। तो अवेलेबिलिटी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है आपके प्रोटीन चॉइस को। नहीं मिल रहा है तो आप दूसरा प्रोटीन सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे। कॉस्ट अगर बहुत महंगा है, हो सकता है बहुत सस्ता हो। कई बार हमारा माइंडसेट होता है कि बहुत सस्ती चीज़ें हैं तो वो बहुत फ़ायदा नहीं करेंगी, तो दोनों ही कंडीशन में हम प्रोटीन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हेल्थ कंसर्न के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारी बॉडी कंडीशंस हैं, जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए जैसा प्रोटीन हमें चाहिए वैसा प्रोटीन हम नहीं ग्रहण कर सकते। फूड प्रेफरेंसेस के हिसाब से, जैसे कि अभी हमने आपसे कहा कि नॉन वेजिटेरियन है वेजिटेरियन है, अब हमने आपको कहा कि आपको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए लेकिन, और आप मीट का सेवन करें, लेकिन आप मीट का सेवन नहीं कर सकते क्योंकि आप नॉन वेज नहीं लेते हैं, उन कंडीशंस में आपको प्रोटीन का वेरिएशन होना पड़ेगा। आपने रिलीजियस बिलीफ्स के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देखते हुए भी आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है अलग अलग करनी पड़ेगी। जितनी चाहिए, या तो ज़्यादा मिल रही है या तो कम मिल रही है, दोनों कंडीशंस देखने को मिल सकती है। तो ये सारे ही फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी प्रोटीन चॉइस। अब हम बात करेंगे कि जो सोर्सेज है प्रोटीन के वो
कैसे हमें प्रोटीन दे रहे हैं। एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन कहलाता है, स्पेशली बीफ में, पोर्क में है, लैम में है, फिश वगैरह में, पोल्ट्री में है, और ज़्यादातर लोग इसका सेवन करते हैं। एक स्टडी का डिटेल है ये। और जो टीनेजर्स हैं उनमें ये बल्क में देखने को मिलता है। कौन कौन से फूड सोर्सेज हैं जहाँ से हमें प्रोटीन मिल रहा है, ये हमारा ग्राउंड बीफ है। मीट जो है वो बेस्ट, इसलिए हमने कहा यहाँ पे एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, बट हाई इन फैट। ठीक है, प्रोटीन है इसमें लेकिन फैट भी। तो अब हमें कैसे लेना है, डेयरी प्रोडक्ट्स अगर हम लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, इससे फाइबर नहीं मिल पाएगा आपको, मान लीजिए ये सैचुरेटेड है और बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है। हमारा जो प्रोटीन है वो हमें ग्रेन से, नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स, ये जो लेग्यूम्स हैं वो बेसिकली नाइट्रोजन कैप्चर करते हैं। हमारा किडनी बीन्स, ब्लैक बीन्स, लेंटिल्स, चिकपी, इन सब में भी प्रोटीन रिच मात्रा में है। ये सारे जो आपको पिक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, इससे अगर मान लीजिए आपको नाम कई चीज़ों का नहीं भी पता है तो भी आपको अगर ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप प्रोटीन को प्रयोग में ला सकते हैं। और इस सब का ऑल्टरनेटिव क्या है, मीट, क्योंकि बायोलॉजिकल वैल्यू इन सभी की मीट के बराबर ही है। ये वेजी प्रोटीन की बात हो रही है, 10 यहाँ पे हमने दिए हुए हैं जो कि आमतौर पे उपलब्ध हो जाते हैं सरलता से सभी लोगों को, आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। स्पिनच में कॉलीफ्लावर, कुकुम्बर, टमाटो, के मशरूम, ग्रीन पेपर, बीफ प्रोटीन, ये मीट के प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑल्टरनेटिवली इन 10 के कंपैरिजन में यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं आपको। आपका ब्रोकली वगैरह जो है इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है, लेकिन आजकल मार्केट में आपको वो भी उपलब्ध है। कैबेज है आपका, एक्स्ट्रा लीन ग्राउंड बीफ, ये आप प्रयोग में ला सकते हैं। ये कंपैरिजन आपको दिखा रहे हैं कि इसके कंपैरिजन में ये देखने में भी रिच है, लेकिन अगर आप वाइट बीन्स भी लेते हैं तो उतना ही प्रोटीन आपको प्राप्त होगा। अब हम उन फूड सोर्सेज की बात करेंगे जो कि हमें प्रोटीन तो दे ही रहे हैं, साथ साथ हमें गुड सोर्स ऑफ फैट भी दे रहे हैं जो कि हाई इन फाइबर है और नॉट इजीली डाइजेस्टेड है। अब ये कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं देखिए, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ये नेगेटिव साइड नहीं देते हैं और ये लो इन सैचुरेटेड फैट है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स, हाई फैट होल फूड्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स। देखिए कुछ सेमी वेजिटेरियन होते हैं जो कुछ कुछ चीज़ें ग्रहण करते हैं, जैसे कि फिश एंड सी फूड, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि लैंड एनिमल्स को नहीं ले रहे हैं, कुछ सी फूड्स को नहीं ले रहे हैं, कुछ एग्स को नहीं ले रहे हैं, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स को नहीं ले रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं, आप लैक्टो ओवो वेजिटेरियन हैं, आप लैक्टो वेजिटेरियन हैं, आप ओवो वेजिटेरियन हैं। फूड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कहाँ कहाँ से मिल सकता है। अब जो रीजंस हैं वेजिटेरियन के, वो क्या रीज़न है, पहला रिलीजन, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, एट्सेट्रा, हेल्थ, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, एनवायरमेंटल इश्यूज़ और ह्यूमैनिटी, कि आप मानवता के नाते क्या किसी जीव से उसे प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं। कुछ और फूड सोर्सेज हैं प्रोटीन के जो कि हमें क्वालिटी के बेसिस पे आइडेंटिफाई करवाते हैं कि बाकी से ये कैसे अलग है। कंप्लीट प्रोटीन हमें लेना है तो हमें मील, पोल्ट्री, फिश पे फोकस करना होगा, ये हाई होंगे, इंडिस्पेंसिबल होंगे, इनमें अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे,
इनकम्प्लीट प्रोटीन लेंगे तो इसमें प्लांट सोर्सेज के बेसिस पे है, ये लोअर क्वालिटी का होगा और इसमें कुछ अमीनो एसिड्स की अवेलेबिलिटी हमें एक से ज़्यादा नहीं होगी। और हमारा जो फूड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन जब देते हैं तब दो या उससे ज़्यादा इनकम्प्लीट प्रोटीन मिल रहे हों और उसमें इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड्स अवेलेबल होता है, उस कंडीशन में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, लेग्यूम्स, ग्रेन्स, नट्स, इनमें क्या क्या कम है? ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन। कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स में ग्रेन्स, नट्स और सीड्स है, लेग्यूम्स, डेरी और लेग्यूम्स हैं। उनमें हम अगर अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमारा ये फूड प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री में, ये फूड प्रोडक्ट और यहाँ पर जो कम हो रहा है वो हम मैनेज कर लें। पीनट्स लेते हैं, पीनट्स में हम लेग्यूम्स ले रहे हैं और एंड वीट में हम ग्रेन ले रहे हैं, तो ये हमारा कंप्लीट प्रोटीन रहता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी अब हमारी अगर है या इसका ओवर कंजम्पशन है, उस कंडीशन में हमारा जो नाइट्रोजन बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नाइट्रोजन बैलेंस को कैसे बनाएंगे हम? किसी व्यक्ति की नाइट्रोजन बैलेंस अधिक हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, कितना हम एक्सक्रीट कर रहे हैं, यानी कि कितना हम निकाल रहे हैं। अगर हमारा नॉर्मल देखना है रेट, तो एक्सक्रीट होने का अमाउंट और हमारा जो ग्रहण करने का, जो लेने का अमाउंट है, जो ले रहे हैं, टेकन है, वो सेम होगा तो हमारा नाइट्रोजन इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि संतुलन बना हुआ है। जब हम पॉजिटिव बैलेंस की बात करेंगे, नई बिल्डिंग टिश्यू हो रहे हैं, जो टिश्यू हैं वो नए बन रहे हैं, यानी कि ज़्यादा चाहिए हमें, ज़्यादा मात्रा में निकाला जा रहा है, ये पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस है। और नाइट्रोजन बैलेंस जब नेगेटिव होगा, यानी कि टिश्यूज दैट आर डिक्रीज लेवल, यानी कि अब हमारी जो बॉडी है उस वेस्ट को नहीं निकाल पा रही है उतनी मात्रा में जितना कि निकालना है, वो बॉडी में ही बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूरिक एसिड की मात्रा जैसे आपकी बॉडी में बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी का जो एक्सक्रीशन सिस्टम है वो उतनी तेज़ी से वर्क नहीं कर रहा है जितनी तेज़ी से उसे वर्क करना चाहिए, तो वो आपका नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस शो करता है। और कई बार इन कंडीशंस में ऑडिमा कॉज हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटीन डेफिशिएंसी की। डेफिशिएंसी क्यों होती है? क्योंकि कमी हो रही है, शॉर्टेज है इसकी। डेफिशिएंसी में क्या होता है? हमारी जो सिकनेस है, वीकनेस दिखाई पड़ रही है, कमज़ोर होते जा रहे हैं हम, बॉडी में वीकनेस हमारे एटीट्यूड से भी दिखाई पड़ रही है, हम फिज़िकली भी बहुत अनफिट दिखाई पड़ रहे हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, उसकी कमी हो रही है, और हमारा जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन जितना हमें चाहिए उतना हमें नहीं मिल पा रहा है, तब डिफिशियंसी रहती है। प्रोटीन डिफिशियंसी में स्पेशली हम बात करेंगे PEM की। PEM का मतलब हो गया प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में दो कंडीशंस होती हैं, एक ज़्यादा हो जाए कोई चीज़, एक कम हो जाए कोई चीज़, दोनों मतलब बैलेंस ना हो तो ये कंडीशन माल न्यूट्रिशन है। यहाँ बात हो रही है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये PEM। प्रोटीन भी कम हो रहा है, साथ साथ एनर्जी भी। आपकी जो प्रोटीन डाइट है उसमें कैलोरीज और प्रोटीन दोनों का ही लैक हो रहा है। सिम्टम्स क्या होंगे? डायरिया हो जाएगा और बहुत सारे अदर न्यूट्रिएंट्स की भी डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। क्वाशॉर्कर जो है वो आपका अल्टरनेटिवली देखने को मिलेगा, ये आपके PEM से ही संबंधित है। PEM का एक स्वरूप समझ सकते हैं आप इसको, इससे प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज़ के रूप में हम इसे समझते हैं कि क्वाशॉर्कर हो गया है। पुअर कंट्रीज़ में क्वाशॉर्कर आमतौर पर देखने को मिलता है, ख़ासतौर पर जब दो बच्चों के बीच में अंतर कम होता है, तो सेकेंड चाइल्ड जो होता है उसमें कई बार फर्स्ट चाइल्ड की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही, उसमें भी क्वाशॉर्कर हो सकता है। क्वाशॉर्कर में बच्चों का टमी देखने में तो लगता है बच्चा बड़ा हेल्दी हो गया, पेट बहुत निकल आया, लेकिन बाल देख लीजिए, रूखे बेजान
ब्राउनिश हेयर होने लगते हैं और पेट का साइज़ जो है, स्टमक जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। स्वेलिंग भी इसमें देखने को कभी कभी मिलती है लीवर में। क्वाशरकर में फुल ग्रोथ नहीं हो पाती है, इसकी ग्रोथ प्रभावित हो जाती है, हो सकता है कि हाइट भी ना बढ़े। ब्लॉटेड एब्डोमेन, जो स्किन है वो भी बहुत रूखी और बेजान है, आर्म्स और लेग्स के स्पेशली, और फ्लूइड इम्बैलेंस होने की वजह से, क्योंकि बफर की तरह काम कर रहा है प्रोटीन और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल नहीं हो रही है, उस कंडीशन में फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है और ऐसा देखने को मिलता है। हाथ पैर सब दुबले, पसलियाँ भी दिखाई पड़ रही हैं, बट स्टमक जो है, डोमेन जो है वो काफ़ी बड़ा है, और सिंपल इलनेस दिखाई पड़ती है, और कभी कभी डेथ कॉज हो जाती है क्वाशरकर की वजह से। इस कंडीशन को हम बोलते हैं मरास्मस, ये भी प्रोटीन डेफिशिएंसी है। क्वाशरकर और मरास्मस की जो कंडीशंस हैं वो दोनों अलग अलग हैं, दोनों के सिम्टम्स भी अलग अलग हैं, दोनों के रिजल्ट्स भी डिफरेंट हैं। मरास्मस में क्या है कि जब आप बहुत लंबे समय तक बीमार हो रहे हैं या कैलोरी और प्रोटीन का आपकी बॉडी में कम हो जाना, तब इस तरह से स्पेशली बच्चों में देखने को मिलता है। ये 1 to 4 ईयर में आप इसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मसल टिश्यूज़ जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, वो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, इन्फेक्शन कॉज होने लगता है, डिजीज़ होने लगती हैं। बच्चा बहुत अधिक समय तक जब भूखा रहता है तो आपकी बॉडी उसकी फुलफिल करने लगती है, सप्लाई करने लगती है, बॉडी से सप्लाई होने लगती है प्रोटीन की, तब इस तरह की डेफिशिएंसी मरास्मस में देखने को मिलती है। प्रोटीन का जब हमारा ओवर कंजम्पशन होता है, एक्सेस प्रोटीन हमारे हो जाए डाइट में अगर, तो उसका ओवर कंजम्पशन होने लगता है। जहाँ इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स का सेवन ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इन फूड प्रोडक्ट्स का ज़्यादा सेवन हो रहा है, वहाँ पर हमारा कंजम्पशन ज़्यादा है, हमारे आरडीएल में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा, अपने नॉर्मल आरडीए से 1.5 गुना ज़्यादा हम प्राप्त करते हैं प्रोटीन। जब हम बात करते हैं प्रोटीन के ओवर कंजम्पशन की, तो एक्सेस प्रोटीन होने की स्थिति में हमारी बॉडी में ओवर कंजम्पशन देखने को मिलता है, हमारे लीवर और किडनी की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, हमारा नाइट्रोजन वेस्ट जो जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं हो पाता है, जो नेगेटिव चीज़ें यानी कि जो टॉक्सिक लेवल है, टॉक्सिसिटी जो है वो कम नहीं हो पा रही, टॉक्सिक लेवल हमारी बॉडी में बढ़ रहा है, किडनी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ब्लड प्योरिफिकेशन प्रॉपर हो नहीं पा रहा है, फिल्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है, यूरिया की मात्रा बढ़ती जा रही है क्योंकि वेस्ट जितना निकलना उतना निकल नहीं पा रहा है, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, यूरिया किडनी का फिल्ट्रेशन और हमारा जो एक्सक्रीशन है ये सब डिस्टर्ब हो गया है। क्यों? क्योंकि किडनी पे ज़्यादा प्रेशर है, किडनी ज़्यादा स्ट्रेस में है, कैल्शियम लॉस हो जा रहा है। अगर हमारी बॉडी से एक्सेस प्रोटीन नहीं जा पा रहा है या हमारी बॉडी में उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, ओवर कंजम्पशन है, तो हमारे लीवर किडनी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हमें अपने प्रोटीन को कैसे ग्रहण करना है, उसका कैसे डाइजेशन होना चाहिए, कितनी मात्रा में ग्रहण करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये हमारे डाइट के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है कि हम किस एज में हैं, कितनी मात्रा में हमें प्रोटीन चाहिए, किस स्वरूप में चाहिए। अगर नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस बढ़ रहा है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रही है, यूरिन प्रॉपर पास नहीं हो पा रहा है, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो हमें अपने डाइट को बैलेंस करने की आवश्यकता होती है। अब हमारा जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो कैसे हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का कैसे अवशोषण हो तथा कैसे चयापचय हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन के पाचन में हम पाचन क्रिया के अंतर्गत जितने भी प्रोटीन ग्रहण कर रहे हैं वो अपनी सरलतम इकाई में यानी कि अपने अमाइनो एसिड में कैसे टूट रहे हैं, किस फॉर्म में वो परिवर्तित हो रहे हैं, ये भी जानना ज़रूरी है।
पाचन के दौरान प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीओजेस एंजाइम्स जो कि उसका हेल्पिंग एंजाइम है के साथ सबसे पहले मुंह में आता है। यहाँ पर लार के साथ क्रिया होती है। लार में प्रोटीन का कोई पाचक रस नहीं होता है और अपची अवस्था में ही प्रोटीन कहाँ बढ़ जाता है, आमाशय में यानी कि हमारे स्टमक में आ जाता है। यहाँ पर उसको मिलता है अम्ल, अम्लीय माध्यम में आता है और पेप्सिन एंजाइम पेप्टाइड चेन पर फंक्शन करता है, उस पर एक तरह से कहना चाहिए कि आक्रमण कर देता है और फिर वो पेप्टोन व प्रोटीओजेस में उसको तोड़ देता है। तो प्रोटीन पेप्सिन से टूटकर पेप्टोन और प्रोटीओजेस में चेंज हो जाता है। लेकिन अभी हमारा प्रोटीन का पाचन पूरा नहीं होता है, ये प्रोटीन का आंशिक पाचन है। प्रोटीन इसी अवस्था में पक्वाशय में होता हुआ जो हमारा ड्यूओडेनम है वहाँ से होता हुआ छोटी आंत में आता है और यहाँ पर अम्लीय माध्यम के बजाय क्षारीय माध्यम में यानी कि एसिड की अपेक्षा अल्कलाइन मीडियम में डाइजेस्ट होता है। पैंक्रियाज द्वारा यहाँ पर दो एंजाइम छोटी आंत में मिलते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। काइमोट्रिप्सिन दूसरा एंजाइम है जो कि दूध की प्रोटीन पर खाली फंक्शन करता है और ये दोनों एंजाइम भोजन की लगभग 30% प्रोटीन को अमाइनो एसिड में बदल देते हैं। अब जो हमारा शेष 70% यानी कि 70% प्रोटीन डाइपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड व अदर अमाइनो एसिड्स के रूप में है वो बड़ी आंत में इरेप्सिन कैटेप्सिन एंजाइम और पॉलीपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में बदलने के लिए हेल्प करते हैं। यहाँ पर दोनों एंजाइम हमारे ग्लैंड्स से निकलते हैं और जब कंप्लीट प्रोटीन अमाइनो एसिड में बदल जाएगा तब ही हम प्रोटीन के डाइजेशन को कंप्लीट मानते हैं। प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन होता है पाचन के बाद अमाइनो एसिड के रूप में आंत जो हमारी है जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनकी नली में होता है, लेकिन ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ये अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। अलग अलग तरीके से तात्पर्य यहाँ पर है कि दो तरीके से हो रहा है, पहला डिफ्यूज़न से यानी कि विसरण द्वारा और दूसरा सक्रिय परिवहन विधि यानी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम द्वारा। लगभग 12% अमाइनो एसिड आमाशय में, 60% छोटी आंत में और 28% बड़ी आंत द्वारा अब्जॉर्व किया जाता है। जो हमारी ग्लैंड्स हैं यानी कि जो हमारी आंत मार्ग है उससे अब्जॉर्व किया हुआ अमाइनो एसिड यकृत में यानी कि लिवर में आता है, जहां से ब्लड द्वारा हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ और सेल्स में पहुंचाया जाता है। जो भी प्रोटीन हम वनस्पति स्रोतों से प्राप्त करते हैं यानी कि जो भी हम वेजिटेबल्स से प्लांट से प्राप्त करते हैं वो रेशो की मात्रा अधिक होने के कारण अवशोषित हो जाता है और जो हम एनिमल से प्राप्त करते हैं उसका डाइजेशन धीमी गति से होता है। जो इसका मेटाबॉलिज्म है प्रोटीन का, पाचन के बाद प्रोटीन अपने सूक्ष्मतम इकाई यानी कि जो आपका एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन का अमाइनो एसिड में विभक्त हो जाता है और आंत नली द्वारा अवशोषित होकर पोर्टल वेन से यकृत में आ गया। यहाँ पर अमाइनो एसिड की कुछ मात्रा यकृत में प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में सिंथेसाइज हो जाती है और कुछ अमाइनो एसिड ब्लड सर्कुलेशन द्वारा हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हमारे सेल्स के द्वारा अब्जॉर्व कर लिया जाता है और आवश्यकता जब पड़ती है तो वो हमारी बॉडी को उतनी ही मात्रा में प्रोटीन में चेंज होकर हेल्प करता है। थैंक यू।